नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में बड़ी तेजी से उलटफेर होता दिख रहा है राजनीतिक समीकरण। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कर्मी व नेता दल छोड़कर सीपीएम में शामिल होते दिख रहे हैं। ऐसी ही एक घटना राज्य के नदिया जिले के तैहट के श्याम नगर ग्राम पंचायत की है, जहां तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय नेता समेत 300 कर्मी व समर्थक सीपीएम में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुए हिंसा पर सख्त हुई कोलकाता हाईकोर्ट। 5 अप्रैल तक राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, डालखोला में रामनवमी शोभा यात्रा को केंद्र कर हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हिंसा के दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियोज को कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, रामनवमी के दिन शोभा यात्रा हो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर 5 दिनों तक क्यों बीजेपी हिंसा फैला रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा जमकर निशाना। नो वोट टू ममता का टी शर्ट पहनकर ममता हटाओ का नारा दिया। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने अब राज्य के कस्टम अधिकारियों को भेजा नोटिस। इसी हफ्ते कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। हावड़ा के शिवपुर के बाद अब हुगली के रिसड़ा में रामनवमी के जुलूस को केंद्र कर दो संप्रदायों के बीच फैली हिंसा। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोष की उपस्थिति में रामनवमी के उपलक्ष्य पर रैली निकाली गई। इसी दौरान हिंसा फैली। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया, परंतु तनाव अभी भी व्याप्त है। सोमवार को रिसड़ा इलाके का दौरा करने पहुंचे बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सांसद सुकांत मजुमदार को जाने से रोक दिया गया, परंतु सुकांत मजुमदार रिसड़ा जाने की जिद पर डटे रहे। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कर्मियों की धक्का मुक्की भी हुई। सुकांत मजुमदार के साथ सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो भी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के थोड़े बहुत मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 है और अब तक पूरे राज्य भर में 127 लोग संक्रमित हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।